तो वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स की कुछ टर्म्स के बारे में, उन्हीं में से एक है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज आप पता लगाओगे कि इलेक्ट्रिसिटी कहां से बनती है, कैसे आपके घर तक पहुंचती है और कैसे आप इसे यूज करते हो। ठीक, तो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ग्रुप डी में साइंस का वेटेज अच्छा खासा वेटेज रहता है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए ये वीडियो तीन पार्ट में आने वाला है, ठीक, और तीनों पार्ट में मैं पूरे एमसीक्यूज समेत सारे क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ। सो लास्ट पार्ट में एमसीक्यूज लेंगे, सो फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक डिटेल्स पढ़ेंगे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये सब। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो किस तरह कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। क्या फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का फ्लो ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं, कहीं इसमें कंफ्यूज मत होना एग्जाम में आ जाए तो। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, और फ्लो ऑफ चार्ज अगर रेट के साथ पूछी जाए, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ध्यान रखना दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए कैसे बनती है भाई, अगर आपको किसी भी चीज के लिए पढ़ना है तो पहले ये तो जानो कि कैसे बनती है, ठीक। अगर आपको सिर्फ दो चार पॉइंट्स पढ़ के एग्जाम में बैठ जाना है, कंसेप्ट नहीं समझना, तो बेसिक करिए, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, आप सिर्फ उन दो चार क्वेश्चन तक ही सीमित रहेंगे। तो अपने आप का लेवल अप कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो चुका है। देखिए कैसे बनती है इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्या है, रिजर्वायर। अब आप कहोगे सर रिजर्वायर क्या होता है, तो सुनिए रिजर्वायर क्या होता है, ऐसी जगह जहां पे कुछ चीज आप ज्यादा अमाउंट में क्या करते हो, स्टोर रखते हो। ऐसे यहाँ पे वाटर रखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, वाटर है। अब इस वाटर को कहां पे ले जाया जा रहा है, डैम की साइड, यानी कि ये वाटर डैम की साइड जा रहा है। और डैम क्यों लगाया गया है, ताकि डैम फ्लो को कंट्रोल कर सके। और जैसे ही फ्लो को कंट्रोल करेगा यहाँ पे वो वाटर को रोक लेगा, लेकिन क्या होगा, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, जिससे कि क्या होगी, एकदम ये पोटेंशियल एनर्जी बनाए रखेगा। और जैसे ही डैम में से हम पानी को रिलीज करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी के साथ हीट करेगा एकदम प्रेशर के साथ इस टर्बाइन के साथ, और ये टर्बाइन घूम जाएगा। और जैसे ही टर्बाइन घूमेगा, यानी कि मैकेनिकल वर्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और मैकेनिकल वर्क होगा तो यहाँ पर एक जनरेटर लगा होगा, उसी में एक टर्म्स लगी होगी, एक डिवाइस लगी होगी, जिसको बोलेंगे डायनेमो। जिसको क्या बोलेंगे, डायनेमो। अब सर ये डायनेमो क्या होता है, ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है ना भाई, डायनेमो होता क्या सर एक्चुअली में। देखिए डायनेमो क्या होता है, तो डायनेमो एक्चुअली में क्या होता है, ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी मोशन वाले एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट मोशन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज डायनेमो। सो डायनेमो लगा होता है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर डायनेमो लगा होता है। डायनेमो भी क्या करता है, जब यहाँ पे कोई मैकेनिकल वर्क होता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हमारे पावर स्टेशन तक पहुंचाते रहता है। इस पावर स्टेशन तक पहुंचाते रहेगा, इस पावर स्टेशन तक पहुंचाने के बाद अब इस इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो गया, इस इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो चुका है, यानी कि अब ये इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करने के लिए इसको ट्रांसफर करेंगे कहां पर, घरों की तरफ। अब देखिए घरों की तरफ कैसे आती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, घरों की तरफ कैसे आती है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए विद्युत को घरों तक कैसे ले जाया जा सकता है, ध्यान रखिए ये स्टूडेंट जो भी ग्रुप डी के स्टूडेंट है, मैंने दोनों लैंग्वेज में नोट्स डाले हैं, दोनों लैंग्वेज में ही मैंने यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम रहती है, किसी को इंग्लिश में, तो आपको नोट्स दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब देखिए जैसे ये है, ये क्या है, पावर स्टेशन, क्या है, पावर स्टेशन। अब यहाँ पर जो अभी मैंने दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई थी, अब जो जनरेट हो गई इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ पर जाएगी, ट्रांसफॉर्मर पर। और ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, ऐसी डिवाइस जो वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करती है, वोल्टेज को क्या करती है, अप या डाउन करने का काम करती है। अब देखिए दो तरह के ट्रांसफर पढ़ोगे आप ट्रांसफॉर्मर, कौन कौन सी तरह के, एक आप होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन, ठीक भाई। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, स्टेप अप, अप का मतलब क्या होगा, उठाना, यानी कि ये वोल्टेज को क्या कर देगा, ये वोल्टेज को कर देगा इंक्रीज, ये वोल्टेज को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा वोल्टेज को। और इसे स्टेप अप क्यों बोला जाता है, इसे स्टेप अप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग्स में क्या होते हैं, आपके प्राइमरी वाइंडिंग्स में अच्छे खासे टर्न्स होते हैं रादर देन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कैसे बनता है, प्राइमरी वाइंडिंग में तो क्या होते हैं, उसमें कम
लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा। ठीक, यानी कि दो चीज आपने पढ़ी, एक तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब जो बेसिकली क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करने का काम करता है, और स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज को डिक्रीज करने का काम करता है। सो देखिए ये काम करता है, उसके बाद ये क्या काम करेगा, ये ऐसे कैसे काम करता है, आपको भी लग रहा होगा कि सर आपसे कैसे आप बता रहे हो कि आप ये हमने कोई देखा तोड़िए कैसे काम करता। तो देखिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को क्यों लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो कम वोल्टेज की हुई है। अब इसे ज्यादा वोल्टेज में बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर हमें ट्रांसफॉर्मर करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो वैसी बात है वोल्टेज बढ़ा के करना पड़ेगा। अब हमने वोल्टेज बढ़ाया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से, और हमने कहाँ पे पोल्स पे भेज दी, यानी कि जहां बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं ना वहां पे भेज दी इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता है यहां से जाने के बाद वो जो 11,000 वोल्ट लिखा हुआ आता है ना ट्रांसफॉर्मर पे, 11,000 वोल्ट यानी कि आपकी पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ज्यादा वोल्टेज से। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने क्या लगा रखा था, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दूसरी बात देखिए, अब यहां पे आ गई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यहां पहुंच गई, ठीक है, चलते चलते कहां पहुंच गई, यहां पे। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जब यहाँ पे आई तो आपके घरों में जानी है, लेकिन ध्यान रखना जब ट्रांसफॉर्मर से आपके घरों पर जाएगी तो आपको ध्यान रखना है कि पोल से जब घरों में आएगी तो वहां पर क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर और यूज करना पड़ेगा, क्योंकि भैया घरों में तो आपके पास अप्लायंसेस है 250 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट पे यूज करने के लिए। भाई घरों पे तो आपको इतने ट्रांसफार्मर क्या है, आपके पास वोल्टेज कितना यूज कर सकते हो, घर में तो 230 से 250 वोल्ट। अब इतना ट्रांसफॉर्मर आपको वोल्टेज चाहिए और आपके पास है कितना, 11,000 वोल्ट, तो कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा तो वो किससे कम करेंगे हम, वो कम करेंगे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा के। ठीक, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा के उसको कम करेंगे। अब देखिए यही जो ट्रांसफॉर्मर है ना, यही है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्यों? क्योंकि यहां पर वोल्टेज आ रहा था 11,000 वोल्ट और हमें चाहिए कितना, 250 वोल्ट, तो भैया 250 वोल्ट करना है अगर, तो ऑब्वियसली बात है हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आएगी। क्यों? क्योंकि अगर 11,000 वोल्ट में लगाते तो क्या होता, गलती से करंट लग गया तो भैया ठीक है जयराम जी की हो जाती। ठीक है, इसी वजह से क्या करा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करा है। ठीक है भाई, इतना याद इतना समझ में आया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज क्यों किया है, क्यों किया है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी किस पे चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए लो वोल्टेज पे, बस इसी वजह से। ठीक, अब देखिए कुछ यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप घर में यूज करते हो उनकी यूनिट्स होती है। जैसे आपको बोला होगा ना कि सर हमारे आज 20 यूनिट के बिजली का बिल 20 यूनिट है, यानी कि बिल कैसे बनता है, उस यूनिट को बेस रख के बनाया जाता है। एक यूनिट की वैल्यू मान लो कि एक यूनिट अगर 3 रुपए की है और आपने बोला सर मेरी 20 यूनिट आ गई एक महीने में, तो 20 या कितना होता है 23 जा 60, यानी कि आपने कितनी कंजप्शन कर दी, 60 रुपीज की। ठीक, तो अब इससे एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये अगर मान लो ये नहीं दिया, ठीक है, तो सर आप कैसे पता लगाओगे कि एक यूनिट बन गई, सर ये कैसे बनी एक यूनिट, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा एक यूनिट कैसे बन गई। देखिए ऐसे पता चलेगा कि जब आपकी कोई भी 1 किलोवाट की कोई भी अप्लायंसेस है, मान लो कि चलो आपका कूलर है, ठीक है, अभी तो गर्मी बहुत है एसी ले लो, ठीक है ना, थोड़ा खुश रहो, 1 किलोवाट है, ठीक, 1 किलोवाट की कोई भी चीज जब 1 आवर चल जाएगी तब आप क्या कहेंगे कि सर हमारे घर में यूनिट कितनी यूज हो गई, 1 यूनिट। यानी कि 1 किलोवाट की कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी अप्लायंसेस 1 घंटे चलेगी तो आपकी कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। और इसी तरह से अगर मान लो हफ्ते में आपने, महीने में आपने 30 यूनिट खर्च किए और 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए है, तो आपका बिल कितना रुपए आ जाएगा भैया, 90 रुपए आ जाएगा, और पे कर आना, ठीक है, वरना बिजली काट देंगे, ये भी बात है। ठीक है भाई, चलो अब समझे, चलो छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए दूसरा, सर हमारे पास तो 1000 वाट को हमें कैसे पता चलेगा, हमारे पास तो 1000 वाट की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है भाई, 50 वाट का बल्ब तो है, 20 वाट की ट्यूबलाइट तो है, ठीक है 20 वाट की ट्यूबलाइट तो है, और मान लो कि आपका भैया 15 वाट का कोई भी छोटा सा फैन हो गया। ठीक, अब ये कितने वाट हो गए टोटल, 5 और 3 85, 85 वाट हो गए। सर 1000 वाट बोला था आपने, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, तो ध्यान रखना अगर ये 1 किलोवाट नहीं बनाए तो इसको 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में बनाएंगे, और किलोवाट में बनाने के बाद ये कितने देर चले, मान लो कि ये आधे घंटा चले मतलब 30 मिनट चले, तो इस 30 मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब जो भी आपकी यूनिट आएगी वो किसकी आएगी,
वो जो भी आपका कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, यानी कि वो आपकी यूनिट है और वही आपका बिल बनेगा। ठीक, समझ गए भाई बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें क्या पूछा जाता है इलेक्ट्रिसिटी के एनर्जी के बारे में, कि इसकी यूनिट क्या है। तो सबसे पहले यूनिट की बात होगी तो क्या है, ये यूनिट है किलोवाट आवर। यूनिट क्या है? किलोवाट आवर। दूसरा, अगर आपसे पूछें कि बताइए इसकी यूनिट, तो किलोवाट आवर हो गई। ये सीजीएस यूनिट होती है। देखिए यूनिट भी तीन तरह की होती है, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। भाई यूनिट भी तीन तरह की होती है ना, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस में क्या होता है? मास, सॉरी, सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में होती है, मास ग्राम में होता है और टाइम सेकंड में होता है। सेम एज दैट, लेंथ फुट में होती है एफपीएस में, मास पाउंड में होता है और टाइम सेकंड में होता है। ऐसे ही एमकेएस यूनिट में मास क्या होता है, सॉरी, लेंथ क्या होती है मीटर में, मास क्या होता है केजी में और सेकंड में टाइम होता है। यानी कि एक चीज आपको समझ में आए, अगर क्वेश्चन पूछ लें कि बताइए ऐसी कौन सी यूनिट है या फिर ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी तीनों तीनों यूनिट्स में, तीनों फॉर्मेट के यूनिट्स में क्या होती है, सेम होती है, यानी कि वो सेकंड है, यानी कि टाइम क्या रहता है तीनों फॉर्मेट में, चाहे वो सीजीएस हो, चाहे वो एफपीएस हो, चाहे वो एमकेएस हो, तीनों ही फॉर्मेट में टाइम सेम रहता है, सेकंड में रहता है ना। ठीक है, ये थी आपकी यूनिट्स के बारे में कुछ। ठीक है भाई, अब जिसको पता है उसको तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता वो तो यही सोचेगा ना कि यार सर ने एक चीज बताई थी सीजीएस, समझ में नहीं आया कुछ। तो आप समझ जाना सीजीएस का मतलब है ये ओल्ड यूनिट, पहले यूनिट यूज की जाती थी। तो ये क्या थी, सेंटीमीटर में आपकी लेंथ होती है, ग्राम में आपका मास होता है और सेकेंड में आपका टाइम होता है। ठीक, सेकेंड में। अब देखिए सीजीएस यूनिट क्या होती है एनर्जी की, सीजीएस यूनिट होती है 1 जूल बराबर, ये तो भाई आपको पता है, ये तो ऐसा यूनिट है, जूल एनर्जी का ऐसा यूनिट है। अब 1 जूल बराबर कितने सीजीएस यूनिट होती है, 10 की पावर 7 अर्थ। यानी कि आपसे कोई पूछा जाए, आपसे कोई पूछेगा बताना जरा कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो ऑप्शन में बिल्कुल आएगा 10 की पावर 7 अर्घ, 10 की पावर 5 अर्घ, 10 की पावर 3 अर्घ और 10 की पावर 8 अर्घ। तो उत्तर क्या होना चाहिए आपका, 10 की पावर 7 अर्घ। ठीक, अब देखिए ये तो हो गई आपकी थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट। आप थोड़ा डीप में पूछेंगे तो क्या पूछ सकते हैं कि भैया आप एक चीज और बताइए कि ये जो 1 जूल है ये कितने कैलोरी के बराबर होता है, क्योंकि कैलोरी भी तो क्या होता है, कैलोरी भी आपका क्या होता है, यूनिट होता है एनर्जी की। अब कैलोरी कितने होती है, ये 0.24 कैलोरी 1 जूल में। वैसे तो देखिए अगर मैं एक्यूरेट, बिल्कुल अगर एक्यूरेट पर जाऊंगा तो 0.238 इतना होता है, लेकिन आपको एक्यूरेसी में, इतना एक्यूरेट में काम नहीं करना है। ठीक है, वहां पे आपको राउंड ऑफ करके देंगे फिगर। ठीक, तो 0.24 कैलोरी हो गया 1 जूल में। दूसरा, अगर पूछे 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो इसका भी आंसर सुन लो, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। और ये आया कैसे है, देखिए अभी मैंने एक चीज बताई थी ना आपको कैसे आया है, देखिए मैं ड्राइव कर देता हूँ एक बार कि कैसे आया है। देखिए 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट की कोई भी चीज, 1000 वाट की कोई भी चीज कितनी देर चलेगी, 1 आवर चलेगी, 1 आवर चलेगी। ठीक, 1 आवर का मतलब कितना हो गया, 3600 सेकेंड। ठीक है भाई, 1 आवर का मतलब कितना हो गया, 3600 सेकेंड, यानी कि 1 वाट, ठीक है ना, 1000 वाट 3600 सेकेंड, यही आपका क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, यही तो होता है 1 किलोवाट आवर, बस इसी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। और अब आप बोलोगे कि सर ये 3.6 कैसे आया, तो आप बिल्कुल इजीली आप फाइंड कर सकते हो, यहां से ऐसे आया 3 6 फिर 1 2 3 4 5 0, यानी कि यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा तो इसको 10 की पावर कितने में पहुंचा दूंगा, 6 में, और ये हो जाएगा जूल। तो ये आपकी हो गई एनर्जी की यूनिट, कौन सी, किलोवाट आवर की यूनिट हो गई जूल में। ठीक, अब भैया आपको एक चीज और दे सकते हैं, ठीक है, आपको ये चीज बोल सकते हैं कि चलो भाई जूल का हो गया, ठीक है, अब जूल ना देकर आपको एक चीज दे सकते हैं, बताइए इस जूल की, इस जूल को हटा देंगे फिर बोलेंगे कि वाट पर सेकेंड है, तो क्या ये सही उत्तर है? तो आप भी ध्यान रखना कि 1 जूल बराबर 1 वाट पर सेकेंड ही होता है, तो इसी वजह से जूल की जगह अगर ये दे दें तो ये भी सही, ना दें तो वो भी सही। ठीक है, मतलब कुछ भी दे दें आपको आंसर बिल्कुल टिक करना है, अगर आपके इतने सारे कंसेप्ट मजबूत हैं तभी आप आंसर तक पहुंच पाओगे, वरना भैया कॉम्पिटिशन लेवल इतना है कि आप अगर एक भी पॉइंट स्किप करते हो तो समझ लो आपके और मेरिट में आने के चांसेस दूर हो गए। ठीक, तो अब मिलते हैं हम सेकेंड पार्ट में। ठीक है, इससे पहले हमने पहला पार्ट कंप्लीट कराया जो आपको पढ़ना है अच्छे से, और उसके हम क्वेश्चन लगाएंगे जब हम थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे, तो एमसीक्यूज करेंगे उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया से, और मैं प्रीमियर वीडियो भी एक लेके आऊंगा जिसमें मिलेंगे हम एमसीक्यूज में। ठीक, सो थैंक यू एंड बाय बाय।